ओहो, रात रात को कौन कौन फोन कर देता है, सारी जिंदगी खराब करके फोन वालों ने। है आ रहा होता है, टू 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 क्यों कर रहा, उठा तो रहा हूँ। ओ बोलो कौन बोल रहा भाई, कौन रात रात को फोन करते हो तुम, बोलो। सर जी हम बिस्टू रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं, आपने जो चिकन फ्राई खाया था वो कैसा लगा आपको बताइए। कैसा चिकन फ्राई, हमने पनीर फ्राई खाया था, कल आए थे हम बिस्टो में। हाँ आप आए थे पर आपने चिकन फ्राई खाया था, रेटिंग दीजिए। नहीं चिकन फ्राई कब खा लिया, हमने पनीर फ्राई खाया था। नहीं सर जी चिकन फ्राई खाया था, हम झूठ कभी नहीं बोलते। आप रेस्टोरेंट में आए, आप बैठे अलग से बिस्टो रेस्टोरेंट में, आपने अलग से सीट ली, लोगों को देखा और अपने फ्रेंड के साथ बैठ के खाना भी खाया था। हाँ भाई हमने खाना खाया था पर पनीर फ्राई खाया था, चिकन फ्राई नहीं खाया था भाई, सच बोल रहा हूँ, चिकन फ्राई खाया थी हमने, तो खुद बना के दिया था आपको चिकन फ्राई। भाई कैसे चिकन फ्राई खा सकता हूँ मैं तो वेजिटेरियन हूँ प्योर, मैं कैसे खा सकता हूँ। नहीं सर जी आपको क्या उसके अंदर कोई हड्डी सी दिखाई दी थी, हड्डी नहीं, हमारे तो मुंह में कोई भी हड्डी नहीं आई, यानी कि आपने चिकन खाया था, क्योंकि शायद चिकन को पोलियो था। ए चिकन को कब से पोलियो होने लग गया, तुमने पोलियो वाला चिकन हमें खिलाया। नहीं सर जी वो पोलियो वाला चिकन गलती से आ गया होगा, वैसे वो टेस्टी होता है, उसे शक्ति मिलती है, वो शक्ति वक्ति मारो को लिए। मैं वेज हूँ, कैसे खिला दिया तुमने पोलियो वाला चिकन मुझे। क्या पोलियो वाला चिकन खिलाया तुमने मुझे, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें पता है ना मैं पंडित की बेटी हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं कैसे। भाई रुक फोन रख, फोन रख, सारी जिंदगी खराब होने वाली, जा फोन रख। क्या हुआ सर जी फोन क्यों काट रहे हो, बात तो पूरी सुन लो, रेटिंग तो देते जाओ, क्यों फोन काट रहे हो। कुछ भी नहीं, हमने कोई नहीं खाया, वो पनीर फ्राई था, वो झूठ बोल रहा है, ये रॉन्ग नंबर था, कुछ भी नहीं हुआ बेबी, कुछ भी नहीं प्लीज। नहीं मुझे पता है तुमने मुझे चिकन फ्राई खिलाया था, पनीर फ्राई नहीं, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, बाद में नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ, बाय। ओ भाग मत प्लीज मेरी फ्रेंड, रुक जा, ये तो सच्ची में भाग गई, एक फोन कॉल के चक्कर में जिंदगी खोर हो गई, अब मैं क्या करूँ। आप मुझे पता चला है कि आपने अपनी फ्रेंड को भगा दिया, ये एक मुसीबत नहीं हो जाए, प्रेस वाले हमारे घर पे आके बैठ जाते हैं, यही मुसीबत होती है बड़े लोग होने की। भागो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें लात लात मार के भगाऊंगा, फिर तुम कहोगे कि हमारी प्रेस की बेइज्जती कर दी, फिर अगल अलग अलग न्यूज़ छपवाओगे, टीवी पे अभी तक न्यूज़ आती कि लाइव आ गई, अभी भाग लो यहाँ से नहीं तो मार मार के भगाऊंगा मैं तुम्हें। ओए मुझे लात मार के भगा दिया, न्यूज़ छपवाऊंगी इसकी, तुम बेकार थी। है अच्छी है वो चलेगी, मैं मशहूर हूँ और परेशान हूँ, है मेरी न्यूज़ आ रही है, मेरी ऐसी न्यूज देख कर तो मेरे ऊपर लोग भीड़ लेकर चढ़ जाएंगे। हेलो सर जी फोन क्यों काट दिया, दोबारा बोल लिए ना क्या बात होगी, कुछ हो तो बता दीजिए। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। क्या सर जी, अगर मुझे लग रहा है आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, चलो मैं बाद में फोन करूंगा रेटिंग लेने को। ठीक ठीक है भाई, बस जिंदगी खराब हो गई है। ठीक है सर जी, रोहित सर आपकी जिंदगी सुखमय हो, बाद में मैं बात करूंगा। ठीक, रोहित, किस रोहित की बात कर रहा है तू, है सर आप रोहित सिंह हो ना, मैं रोहित सिंह से बात करने के लिए फोन लगाया था मैंने तो। भाई मैं तो मोहित हूँ ना कि रोहित, यानी तूने गलत नंबर डाल किया। अच्छा सर आप मोहित है, सॉरी गलती से रोहित को फोन करना था, गलती से लग गया, बाय बाय। क्या से क्या हो गया। सर जी अच्छा ठीक है, आप मान लो मोहित भी हो तो आना जरूर हमारे रेस्टोरेंट में। ठीक हाँ भाई आए तो थे, तुम्हारा घटिया से चिकन की स्टोरी सुन के मेरी जिंदगी खराब हो गई। सर जी कोई बनिया अगली बार आके चिकन फ्राई खा के जाना, और जिंदगी खराब हो तो हुए है ना। तो फ्रेंड्स ये हमारी स्टोरी थी आज की, ऐसे मैं रेस्टोरेंट में गया, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि रेस्टोरेंट के लोगों के चक्कर में मेरी जिंदगी खोर हो चुकी थी। वैसे मैं बता दूँ पहली बार मेरी जिंदगी में इतनी मुसीबत एक हट्टी तरह से आई थी। वैसे मैं बताऊँ तो मेरी फ्रेंड, वैसे ये असलियत में कोई फ्रेंड नहीं थी, वो मेरी बहन ही थी, वो थोड़ी गुस्सा हो गई थी मेरे से। फ्रेंड्स लेकिन मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं है मैं बता दूँ, और आप ही मेरे फ्रेंड्स हो, इसलिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगली वीडियो में मिलेंगे, तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।